किसान को भी, छोटे किसान को खासकर, पानी के बिना बहुत दिक्कतें हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है और इसमें से करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जब ग्रामीण घर की बात आती है तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है। उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था, अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। कभी हमारे देश में हमारी माताओं बहनों को, गांव को पानी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च करके आगे बढ़ना, ये छोटे निर्णय नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं। जिस खाजुराहो की चर्चा करते हैं, मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूं। वहां की तस्वीर बदलने वाली, पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे किसान भाइयों बहनों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए ये आधुनिक युग का एक भगीरथ काम है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, जवान बेटों को शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहकर के मजदूरी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो खुले आसमान के नीचे अपने माँ बाप के साथ रह करके एक नई जिंदगी का प्रकरण लिखना शुरू कर सकते हैं। घरों में पर्याप्त पानी आए, खेत में पानी आए। साथियों, गरीब का बहुत बड़ा सपना उसका अपना घर भी होता है। इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। गरीब से मुक्ति का ये भी एक, गरीबी से मुक्ति होनी है, गरीब मुक्ति से, गरीबी से बाहर आना चाहता है, जब घर मिलता है ना, उसका एक हौसला बन जाता है। हम कभी गरीबों की ताकत जानते नहीं थे, सिर्फ गरीबों का राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग बहुत हुए इस देश में। एक छोटा सा प्रयास, जनधन अकाउंट, गरीब को जब जनधन अकाउंट मिला ना, उसका स्वाभिमान जग गया और लाखों करोड़ रुपए की बचत में गरीब भी आगे आया है। अगर एक जनधन अकाउंट उसकी जिंदगी बदल सकता है, तो गरीब को जब छत मिले, गरीब को जब घर मिले,
तब उसका जीवन कितना बदल जाता है इसका हम देख करके बता सकते हैं। जो भी उन परिवारों को देखेगा उसका विश्वास बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार जो घर बनाकर इन्हें देती है वो घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना देती है। मैं जब छोटा था लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। लखपति यानी कितनी बड़ी दुनिया है, सुनते ही कान खड़े हो जाते थे। लेकिन हमने जो गरीबों को घर दिया है ना, उसकी कीमत के हिसाब से देखे तो हमने पिछले 7 साल में 3 करोड़ गरीबों को पक्के घर देकर उन्हें लखपति बनाया है। जो गरीब थे, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई है और समय की ध्यान को रखते हुए घरों की साइज भी बढ़ाई है ताकि बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए। बड़ी बात यह भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर भी है, यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया है। साथियों, हम सामाजिक न्याय के लिए तो हमेशा काम करते हैं और इसे अपना दायित्व समझते हैं। जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, वैसे ही देश की भलाई के लिए भी देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका अविकसित रह जाए, ये ठीक नहीं है। और इसलिए हमने आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, गांव की सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। अब इस बजट में घोषणा की गई है कि आकांक्षी जिलों में राज्यों के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी उसे और नीचे ले जाया जाएगा, यानी विकास का लाभ आखिरी छोर तक पहुंचाने का एक वैज्ञानिक तरीका है और धन का सदुपयोग करने का, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का और फोकस एक्टिविटी करने का एक रास्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर जरूरी सुविधाएं पहुंचे, इस पर सरकार का जोर है। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमारे सेना के जवान जो सीमा पर तैनात है, हमारे सुरक्षा बल के जवान जो सीमा पर तैनात है, उनको वो सीमावर्ती जो गांव है ना, वो भी एक प्रकार से किले का काम करते हैं और उन सीमावर्ती गांवों का देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है। अभावों के बीच, संकटों के बीच, मुसीबतों के बीच सीमा पर रहने वाले छोटे 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 गांव के लोग दिन रात देश की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। अब समय आ गया है कि हमें हमारी राष्ट्र रक्षा की जो नीतियां हैं उसमें सीमावर्ती गांवों के नागरिकों की शक्ति को पहचानना होगा, उनके अहम रोल को जानना होगा। और इसलिए
हमने ध्यान आकर्षित किया है कि सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना है। इस वजह से हम वर्षों से सीमावर्ती गांवों से पलायन होते भी देख रहे हैं। किसी भी देश की रक्षा के लिए ये पहलू ठीक नहीं है। इस बात को समझते हुए सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नए सिरे से सोचा गया है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे गांवों में हर प्रकार की सुविधा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क का इंतजाम हो, इसके लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं जो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिले। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ये हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। और मैंने तो गुजरात में कच्छ में रणोत्सव करके देखा है कि अगर उन आखिरी गांवों को हम वाइब्रेंट बना दें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। अब हमारा उत्तराखंड देखिए, उसकी सीमा ऊपर के गांव, हमारा लेह लद्दाख देखिए, हमारा अरुणाचल देखिए, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच होने के कारण एनसीसी का भी एक नया विचार हुआ है। एनसीसी के लिए खर्च होता है, बड़े शहरों में एनसीसी होती भी है। अब हमने तय किया है कि सीमावर्ती गांव वो जो ब्लॉक होगा और वहां जो स्कूल होगी नजदीक में, हम एनसीसी का वहां केंद्र शुरू करेंगे, एनसीसी की गतिविधि चलाएंगे, ताकि ये सीमा पर रहने वाले बच्चे एनसीसी से ट्रेन होकर के भविष्य में आसानी से सुरक्षा बलों में जाकर के राष्ट्र रक्षा का नेतृत्व कर सकते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के हमारे बच्चों की ताकत बहुत बड़ी होती है। साथियों, राष्ट्र रक्षा से जुड़े एक और बड़े अभियान की बजट में घोषणा की गई है, ये है पर्वतमाला परियोजना। ये हिमालय के क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने वाली है। इससे पहाड़ों में आवाजाही भी आसान होगी, टूरिस्टों के लिए जाने की सुविधा तो होगी होगी, वहां अगर तीर्थ क्षेत्र है तो वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी, लेकिन साथ साथ हमारी सेना को तो लगातार उन क्षेत्रों में जाना होता है, उनके लिए भी ये बहुत सुविधाजनक होगा। इसका बड़ा लाभ हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ क्षेत्र, वहां के भाइयों बहनों को मिलेगा। हमारे पहाड़ों के लोग बहुत प्रतिभावान होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, सेना से लेकर खेलों तक, व्यापार से लेकर कृषि तक, कितने ही क्षेत्रों में देश को उनकी क्षमता और प्रतिभा का लाभ मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। वर्तमान से हम जब पर्वतमाला से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही पर्यावरण की भी सुरक्षा बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी पीएम डिवाइन नाम से एक बड़ी योजना की घोषणा बजट में की गई है। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी
आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो, देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की, अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों को खेत में ही उचित किराए पर ड्रोन और दूसरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी प्राप्त होगा। इससे जुड़े स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से एक विशेष फंड की मदद भी दी जाएगी। साथियों, कृषि को हाईटेक करने के साथ साथ देश की कृषि को नेचुरल बनाने पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों पहलू पर हम बल दे रहे हैं, आधुनिक हो, टेक्नोलॉजी हो, खर्च में बचत हो, साथ साथ बैक टू बेसिक, हमारी ये धरती माता बर्बाद न हो, हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति खत्म न हो, और इसलिए केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। साथियों, इसके कारण किसानों की जो खेत में इन्वेस्टमेंट खर्च होता है, लागत घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, कृषि को ये अधिक लाभकारी बनाएंगे, साथ साथ ये बीमारियों से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा अभियान भी है, जिसका सबसे अधिक लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा। देश के अनेक हिस्सों में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। छोटा किसान, और हमें ये देखना होगा, जब हम किसान की बात करते हैं तब हमारी प्राथमिकता छोटा किसान ही रहनी चाहिए। 80-85% हमारे छोटे किसान हैं। अगर एक बार हमारा छोटा किसान मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है, देश की ग्रामीण जीवन बदल जाता है। और इसलिए हमने इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। हमने देखा है देश में कौन सी बातें हम सुनते आए हैं। गरीबी हटाने की बातें तो हुई, लेकिन होता क्या था, और वो गलत होता था, मैंने क्या था, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते थे, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हैं। हमने भी आकर देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, लेकिन अब हम देश में पहली बार एक और कॉरिडोर बना रहे हैं, जो इस बजट में घोषणा की गई है, प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर, नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर लगभग 2500 किलोमीटर लंबा होगा, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा, और पहले चरण में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मां गंगा के किनारे 5-5 किलोमीटर चौड़ा, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर नेचुरल फार्मिंग का एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। पूरी इकोसिस्टम बनेगी, उसकी प्रोडक्ट की वैश्विक वैल्यू बढ़ने वाली है। खेती के जीवन को बदलाव लाने का ये एपिक सेंटर बन जाएगा। ये कॉरिडोर पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए प्रेरणा का कारण बनने वाला है। और इन सारे कारणों से जो हमारा गंगा स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें एक बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि खेत में जो केमिकल उपयोग होता है, जब बारिश आती है तो केमिकल का काफी हिस्सा बहकर के पानी में जाता है, नदी में जाता है। 5-5 किलोमीटर प्राकृतिक खेती जब होगी, केमिकल फ्री खेती होगी, ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे,
तो वो जो केमिकल का प्रवाह गंगा जी में आता था वो भी बंद होगा, माँ गंगा भी शुद्ध होगी, एक प्रकार से माँ गंगा जी का बजट का कुछ हिस्सा भी किसानों के काम आएगा। और ऑर्गेनिक उत्पाद की आज बाजार में कीमत बहुत बड़ी है, दुनिया में मांग है, और भारत विश्व के कृषि बाजार में बड़ी ताकत के साथ जाने का रास्ता ऑर्गेनिक खेती है। साथियों, सरकार द्वारा मोटे अनाज मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और हमें न भूलें कि हमारा जो छोटा किसान है उसमें से अधिकतम किसान हमारे, या हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो किसान है, या हमारे गांव में किसी दलित के पास अगर जमीन है वो छोटा किसान है, वो मोटा अनाज ही उनको पैदा किए बिना कोई चारा नहीं होता, क्योंकि बाकी कुछ सुविधाएं नहीं होती। दलित और आदिवासी किसान साथी अगर एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी विशेष मदद का प्रोविजन किया गया है। साथियों, अनाज के साथ साथ हम देखिए, कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान इस मंत्र ने हमें ताकत दी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज हमारा देश 80,000 लाख करोड़ रुपए का तेल, खाने का तेल बाहर से लाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आदतें बदलना दी है। पुरानी सरकारों ने ऐसे निर्णय किए कि हम आयातित तेल पर निर्भर हो गए। उसी प्रकार से पल्सिस, हमारे यहां जो वेजिटेरियन सोसाइटी है उसको प्रोटीन के लिए, कुपोषण के लिए लड़ाई लड़ने में हमारे लिए पल्सिस की बहुत, दाल है, मूंग है, उड़द है, चना है, इसकी बहुत जरूरत होती है। अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम खाने के तेल में आत्मनिर्भर कैसे बने, हम दाल पल्सिस में आत्मनिर्भर कैसे बने, और इसलिए खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन अभी अभी देश में प्रारंभ किया गया है, और हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं वो पैसे मेरे देश के किसानों के व्यय जाए, जो खेती में पसीना बहाने वाला हमारा किसान है उसके नसीब में आए, उसलिए हम योजनाओं पर बल दे रहे हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है, जिसके माध्यम से खेत में ही सोलार पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है। आदिवासी किसानों को भी वनोपज से अधिक लाभ हो इसके लिए बड़े स्तर पर वन धन योजना सफलता के साथ चल रही है, और बजट से उसको बल भी दिया जा रहा है। साथियों, सरकार ने हमेशा किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाए हैं। अब आप देखिए, बजट में रिन्यूएबल एनर्जी का खर्चा पड़ेगा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण खर्चा है किसानों के लिए सोलर पंप। अगर सोलर पंप हम सबसे ज्यादा किसानों के पहुंच पहुंचाएंगे, सूर्य शक्ति से चलने वाला पंप, किसानों को रात को जागना नहीं पड़ेगा, दिन में ही अपने खेती कर लेगा, पानी पहुंचा देगा, शाम को परिवार के साथ अपना समय बिता पाएगा, और उसका खर्च भी कम हो जाएगा। इसके लिए भी सोलर पंप का बहुत बड़ा बजट हमारे किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। साथियों, पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़, लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में, सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े, करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपया
फर्टिलाइजर के लिए जो पहले कभी नहीं करना पड़ा था, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है लेकिन वो किसान पर बोझ न बने, इसलिए सरकार ने उसको झेला ताकि किसानों की लागत न बढ़े, उन पर अतिरिक्त बोझ न आए। और इस बार इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर, किसानों की बहुत बड़ी मदद करने वाला, एक बहुत बड़ा अहम, हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमने अनुसंधान किया है जो इस बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसी प्रकार एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं जीवन के लिए होती है, सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे किसानों को बेहतर सड़कों का भी विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ाया गया है। वहीं रेलवे भी छोटे किसानों की मदद के लिए विशेष प्रावधान करने वाली है। साथियों, नए संकल्प लेना, उन्हें पूरा करने और पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना युवाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है, ये इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया, युवा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर जितने भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं वो युवाओं को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैंने खेती में जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहले चर्चा की, वो भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगा। डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हो या फिर डिजिटल करेंसी जैसे प्रावधानों से फिनटेक से जुड़े स्टार्टअप, ये युवाओं के लिए अनंत संभावनाएं बनाने वाले हैं। और स्टार्टअप की विशेषता है, स्टार्टअप जॉब क्रिएटर भी होते हैं। साथियों, युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते सालों में टेक्नोलॉजी का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है। इस बजट में इसको विस्तार देते हुए पहली
पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। इससे गरीब के गरीब बच्चों को भी अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने हैं तो वो आराम से कर लेगा और उसको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगा। सरकार ने इस बार के बजट में स्पोर्ट्स को भी बहुत तवज्जो दिए हैं और काफी वृद्धि की है। और हम ये न भूलें कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अधिकतम हमारे किसान के बच्चे ही आते हैं, किसान के परिवार की ही वो आन बान शान बन रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के बजट को भी बढ़ाया गया है। स्पोर्ट्स का बजट पिछले 7 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इसका भी लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। साथियों, आपने पोस्ट ऑफिस से जुड़ी अहम घोषणा की बजट भाषण में सुनी होगी। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल पाएगी। अभी देश में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में हैं। पोस्ट ऑफिस में जिनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट है, उनको भी अब अपनी किस्त जमा करने पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे गांवों में रहने वाले किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को विशेष रूप से बहुत सुविधा होगी। और हम जानते हैं, हमने एक पूरे देश का किसानों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ई नाम। अब ई नाम योजना के तहत जो किसान कारोबार करता है, उसको भी अपनी फसल बेचने के सारा कारोबार पोस्ट ऑफिस में ही बैंकिंग व्यवस्था होने के कारण बहुत आसानी से मेरा किसान अपना कारोबार कर लेगा। साथियों, आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है। बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पूरी होगी। 5G सर्विस की लॉन्चिंग भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग ही आयाम देने वाली है। इससे सिर्फ इंटरनेट ही तेज नहीं होगा, डेटा स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि रिमोट सर्जरी के लेकर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन तक, अगर ड्रोन से मुझे दूर सुदूर पहाड़ के कोई फल फूल अगर नजदीक में शहर लाना है तो ड्रोन से उठा करके आराम से ले आ पाऊंगा। यानी सारे स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये सारी टेक्नोलॉजी गांव को, गरीब को, किसान को भी बहुत बड़ा अवसर देने वाली है। 5G सर्विसेज देश में रोजगार के नए सेक्टर्स का सृजन करेगी, युवाओं को आकर्षक अवसर प्रदान करेगी, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करेगी। साथियों, आज देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC इस सेक्टर की भी तेजी से विकास हो रहा है। भारत मोबाइल गेमिंग को लेकर दुनिया के टॉप 5 मार्केट में से एक है। आकलन है कि आने वाले 2 सालों में यह सेक्टर 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये गेमिंग हम बच्चों को रोक नहीं पाएंगे? परिवार में बच्चा मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा है, नहीं रोक पाएंगे?
लेकिन क्या हमारे बच्चे विदेशों से खर्च करके आई हुई गेम्स खेलेंगे कि हिंदुस्तान भी कुछ करेगा? और इसलिए हमारे देश की प्रतिभा को मौका मिले, इनोवेट करने का अवसर मिले, इस सेक्टर में क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को सशक्त करने का भरपूर पोटेंशियल है। भारत को ग्लोबल गेम डेवलपर्स और गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात की गई है। साथियों, आज के अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेकर के आरबीआई द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिससे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। जैसे कोई आपको डिजिटल रूपी में पे करेगा तो आप उसको कैश में बदल पाएंगे। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, रिटेल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा, रिस्क फ्री होगा। इससे ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के निर्माण में भी आसानी होगी। ये डिजिटल रुपया फिनटेक से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा। इससे कैश को प्रिंट करने, हैंडल करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना, मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ है हमारे छोटे उद्यमी और व्यापारी, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर। हमारी सरकार एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है। इसी तरह पीएलआई स्कीम का उदाहरण भी हमारे सामने है, इसके परिणाम भी देश देख रहा है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी के क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम के इसी तरह उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। जब देश में इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एमएसएमई का एक नया इकोसिस्टम खड़ा होगा। एमएसएमई को कई क्षेत्रों में नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए अवसर पैदा होंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, सिर्फ रक्षा मंत्रालय का। देखिए, रक्षा मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रहा है। इस बजट में हमने 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट, जो कुछ भी खरीदी करनी है, घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया है। इस बजट में से यहीं से लेना पड़ेगा। हर साल हजारों करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण देश के भीतर से ही खरीदे जाएंगे। मैं वोकल फॉर लोकल जो बात करता हूं ना, वो यहां भी ले आए हैं हम। इससे हमारी हजारों एमएसएमई को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथियों,
इस बार बजट में एक बात जो सबसे खास और सबसे अलग है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कितना बड़ा कदम है और इसका असर कितना बड़ा होगा, इस बात का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि वर्ष 2013-14 में, हमारे आने से पहले, 7 साल पहले, पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,87,000 करोड़ का था, 1,87,000। इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। यानी यूपीए सरकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा। सरकार जब इतना बड़ा खर्च करेगी तो इस पैसे से क्या होगा? इससे देश में और ज्यादा निवेश आएगा और ज्यादा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। इस साथ साथ लोहा बेचने वाला, लोहा बाजार में काम करने वाला, सीमेंट बेचने वाला, सीमेंट बाजार में काम करने वाला, इस प्रकार के निर्माण कार्यों से जिनकी स्किल है उस नौजवान, यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी की एक दूसरे को इफेक्ट पॉजिटिव खड़ी होती है। और नौकरियों के लिए तो अनेक दरवाजे खुल जाते हैं साथियों। इसके कारण देश के लिए पूंजी तैयार होगी, सामान्य मानवी का जीवन आसान भी होगा और बेहतर भी होगा। ये सब कैसे होगा ये समझने के लिए आप अपनी सरकार के 7 साल के काम को समझिए। 2014 में देश में 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। ये 90,000 किलोमीटर हाईवे पिछले 70 साल में बने थे, जबकि हमने पिछले 7 सालों में ही 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में हजारों किलोमीटर के नए हाईवे और बनाएंगे। इससे न केवल शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी, बल्कि इससे देश के हर कोने में इंडस्ट्री भी पहुंचेगी। इससे हर सेक्टर में लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। और हम जानते हैं एक जमाना था जहां नदी जाती थी, जहां पानी होता था, उसके नजदीक में गांव बसते थे। फिर समय बदलता गया और अब जहां हाईवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट है, वहां लोग बसते हैं। इस बदलते हुए युग को हमें समझना होगा। और इससे ये जो रचना हो रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। आज अगर हमारे देश में कोई उत्पाद विदेश भेजनी है, मानो फल सब्जी हमारा किसान भेजना चाहता है, लेकिन अगर 6 दिन तक वो ट्रैवलिंग करता रहेगा तो कौन खरीदेगा? ये रोड रास्ते अच्छे बनेंगे तो किसान की पैदावार भी बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी और उसके कारण उसको जो आर्थिक नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, इन सब कारणों के, गतिशक्ति के प्रोजेक्ट के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी गति मिलने वाला है। इसी तरह देश में 4 जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी विकसित किए जाएंगे। 100 PM गतिशक्ति कार्गो, सोचिए, इससे उद्योगों और व्यापारों के लिए भी किसी भी चीज के लाने जाने में लगने में वाला समय कम होगा और भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन और आमदनी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथियों, एक ऐसा बजट है जो देश में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों को भी सीधे एड्रेस करता है। ये हमारे शहर ही जहां न्यू मिडिल क्लासेस
और मिडिल क्लास की बड़ी संख्या में रहता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टार्टअप हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, टीयर टू और टीयर थ्री शहरों का टैलेंट आज निखर कर सामने आ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर भी शहरीकरण के, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के बहुत बड़े पक्षधर थे। बीते 7 सालों में देश के शहरों को आधुनिक बनाने पर जो जोर हमने दिया है, उसको इस बजट में नया आयाम दिया गया है। इसमें टाउन प्लानिंग, और जिसकी बहुत बड़ी सराहना हो रही है इन दिनों, टाउन प्लानिंग को री इमेजिन किया गया है और पुराने पड़े अर्बन बायलॉज में सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरों के प्रदूषण के प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता बजट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए शहरों में स्वच्छ और सुविधाजनक मास ट्रांजिट सिस्टम को सपोर्ट करने पर बल दिया गया है। क्लीन टेक, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट को गति देगा। नेक्स्ट जनरेशन अर्बन प्लानर्स के लिए, उसके निर्माण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बेहतर घर, बेहतर रोड, बेहतर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेहतर स्कूल शहरों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। साथियों, ये बजट न सिर्फ ग्रीन ग्रोथ सुनिश्चित करेगा बल्कि ये ग्रीन जॉब को भी जनरेट करेगा और एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र ग्रीन जॉब्स के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए इस बजट को भी कई लोगों ने ग्रीन बजट कहा है। देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स देश में ही तैयार करने के लिए पीएलआई स्कीम में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की गई है। थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास पैलेट्स का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को तो कम करेगा ही, लेकिन इसमें हमारे किसान को, हमारे पशुपालक को अतिरिक्त आय भी होगी और इससे पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आएगी। साथियों, देश के नागरिकों पर भरोसा हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है। ये भरोसा हमारी नीतियों में भी साफ दिखता है और बजट में भी साफ दिख रहा है। अब अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती है, कोई कंप्यूटर एरर हो जाता है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो वो 2 साल के भीतर भी सरकार में जाकर के कह सकता है कि मेरी ये गलती हो गई थी, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, तो बिना लाग लगेट के वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह पहले अगर आपको अपनी कंपनी बंद करनी होती थी, हमारे देश में कंपनी बंद करने में भी मेहनत होती है, 2-2, 4-4 साल लग जाते थे। हमने तय किया अगर कोई अपना कारोबार बंद करना चाहता है तो वो 2 साल से समय घटा करके 6 महीने के भीतर भीतर कर दिया गया है। सरमार्ग में जहां जहां भी परमिशन लेनी हो 6 महीने के भीतर कर देनी होगी। इस महामारी के समय भी हमारी सरकार ने छोटे उद्यमियों की लोन की गारंटी खुद ली। यह भी हमारे भरोसे को दिखाता है। हमें भरोसा था भारत के छोटे मोटे हमारे उद्योगकार व्यापारियों पर और इसलिए सरकार ने गारंटी ली। अब इस बजट में इस योजना को, क्योंकि हमारे व्यापारियों ने, हमारे उद्योगकारों ने सकारात्मक रिस्पॉन्स दिया और इसके कारण उसका सही अनुभव देखते हुए उसको और मजबूत किया गया है और उसको विस्तार भी दिया गया है। इन 7 सालों में
हमने 25,000 गैर जरूरी, ये समझने जैसा है, 25,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को खत्म किया है। यानी आए दिन ये जानकारी लाओ, ये फॉर्म भरो, फलाना नाम लाओ, डिग्री सर्टिफिकेट लाओ, हर बार सरकार लोगों से मांगती रहती थी। 25,000 हमने निकाले हैं और मैंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे भी खोजें, बिना कारण जनता को कहां कहां तकलीफ हो रही है, हटाओ इन चीजों को। इतना ही नहीं, भारत की संसद में करीब करीब 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 अभियान भी शुरू करने जा रही है। साथियों, हम सभी ने बीते 2 सालों में 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। देश की जनता हमारे ईमानदार प्रयासों को समझती है। सच्चे हृदय से जिस सेवा भाव में हम जुटे हैं, उसको भी देश समझता है। अब ये हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है कि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, बजट के बारे में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और बजट का लाभ नीचे तक पहुंचे उसमें भी स्थान स्थान पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। मुझे जैसे देश की जनता पर भरोसा है, वैसे ही आप सब कार्यकर्ताओं पर भी भरपूर भरोसा है। सालों से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके आया हूं, आपके बीच रह करके बड़ा हुआ हूं, मैं आपके सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं, आपके उत्साह उमंग को भली भांति जानता हूं। मुसीबतों के बीच भी सेवा करना के आपके भाव को मैं भली भांति आदरपूर्वक देखता रहता हूं और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रगति की हमारी जो कोशिश है, विकास की नई ऊंचाइयों को पाने का जो हमारा प्रयास है, उसमें सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबके प्रयास के लिए आप एक कैटलिक एजेंट बनकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।